से हम लोग मैथ्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और होप कि पूरी मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग कॉपरेट करें और मुझे जो है मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आऊँ करके। तो आज से हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। ऐसे देखा जाए तो नंबर सीरीज जो है, नंबर सिस्टम जो है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसको पढ़ा जाए तो ये सालों खत्म पढ़ा जा सकता है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको हम लोग सालों पढ़ा जा सकता है, सालों पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सालों पढ़ें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ घंटों में आपका नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म करूँ। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा, तो हम लोग बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको जो जानना बहुत ज़रूरी है और आपको पता भी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं इसको। कुछ जैसे मैं बोलूं पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको होल नंबर भी कहते हैं। तो होल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती है। होल नंबर हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो जीरो और बाकी इस टाइप की संख्याएं चलती हैं, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो वन। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। अगला देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो कि एक से स्टार्ट होते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। आगे देखते हैं सम संख्या, सम संख्या जिन्हें हम इवन नंबर भी कहते हैं, सम संख्या इवन नंबर भी कहते हैं। तो इवन नंबर या सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में टू हो, जीरो हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट ये नंबर्स होंगे वो हमेशा सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाएंगे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऑड नंबर यानी ऑड नंबर भी कहते हैं। तो ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में एक तीन पाँच सात नौ, तो पता है वन थ्री फाइव सेवन इस टाइप के जो नंबर्स होंगे, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में वन हो, थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, नाइन हो, सारे नंबर विषम संख्या कहलाएंगे या ऑड नंबर। आगे देखते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या जिन्हें डिविजिबल नंबर, ऐसे नंबर्स ऐसी संख्या है जो कि भाज्य हो, किसी भी संख्या से भाग हो। जैसे मैं बोलूँ फोर सिक्स एट टेन फिफ्टीन इस टाइप के जो नंबर्स होंगी जो किसी ना किसी संख्या से कट जाए उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अगली संख्या देखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इन्हें हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम। प्राइम नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मैं आपको वैसे भी नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, आपको इजीली सारे क्वेश्चन प्राइम नंबर से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं, जो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है दो, दो खुद से कटेगी एक से कटेगी, तीन पाँच सात। और कौन कौन से होते हैं इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभाज्य संख्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको पहले डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप इस नंबर को अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जो है इजीली टैकल कर पाएंगे। तो देखते हैं वो नंबर क्या है, 44 22 32 23 21। तो ये नंबर आपको याद रखना है और इस नंबर के अंदर सारे प्राइम नंबर छुपे हुए हैं। मोटा मोटा जो भी एग्जाम में बनता है एक से सौ के बीच में ही बनता है,
तो ये नंबर की हेल्प से आप 1 से 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या रहेगी उनसे जुड़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं ये इनका यूज कैसे करना है आपको। ये जो चार बता रहा है ये बताता है कि 1 से 10 के बीच में चार ही कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7। अगला चार जो बताता है वो ये बताता है 11 से 20 के बीच में चार ही प्राइम नंबर्स होते हैं, और वो कौन से हैं, 11, 13, 17 एंड 19, ये होते हैं। अगला जो आपका नंबर दो बता रहा है ये 21 से लेकर 30 के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर है उनको बताता है, और ये नंबर कौन कौन से होते हैं, 23 एंड 29। अगला जो दो नंबर है ये आपको बताएगा कि 31 से लेकर 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, वो दो है, और कौन कौन से, एक 31 है और एक 37। 41 से 50 के बीच में तीन प्राइम नंबर होते हैं, वो नंबर है 41, 43, 47। आगे देखेंगे 51 से लेकर 60 के बीच में दो ही प्राइम नंबर होते हैं, और वो प्राइम नंबर कौन से हैं, पहला है 53 और दूसरा है 59। 61 से लेकर 70 के बीच में दो प्राइम नंबर होते हैं, वो नंबर्स हैं 61 एंड 67। 71 टू 80 के बीच में तीन प्राइम नंबर होते हैं, वो नंबर है 71, 73, 79। 81 से 90 के बीच में दो प्राइम नंबर होते हैं, और ये नंबर्स हैं, पहला है 83 और दूसरा है 89। और 99 से लेके 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है, और वो प्राइम नंबर है 97। तो अगर आपको 1 से लेके 100 के बीच की जितनी प्राइम नंबर्स हैं, जो कि इनका अगर योगफल बोला जाए तो हमेशा 25 होता है, 1 से लेके 100 के बीच की प्राइम नंबरों की संख्या पूछा जाए तो हमेशा 25 होता है, 25 ही प्राइम नंबर होती है 1 से 100 के बीच में। तो इनसे जुड़ा अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके आता है एग्जाम में, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि प्रथम 10 प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, उनका योगफल क्या होगा, तो मोटा मोटा एक आइडिया रहेगा आपके दिमाग में कि भाई 1 से लेके प्रथम 10 या 15 या 20 या जितनी भी बोलेगा उतनी अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। जैसे मैं बात करूँ कि शुरू की 10 या प्रारंभिक 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, यानी कि जो शुरू की 10 प्राइम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो 30 तक की गिनती के अंदर ही रहेंगी। तो 30 तक की गिनती के अंदर रहेंगी तो आपको मोटा मोटा फटाफट ये कर लेंगे करके कि कौन कौन सी, ये आप देख लेंगे करके। आपको ये आइडिया है कि 1 से 10 के बीच में 4, 11 से 20 के बीच में 4, 21 से 30 के बीच में 2, तो मतलब 10 प्राइम नंबर निकालना है तो 4, 4, 8, 2, 10, यानी कि 30 के बीच में ही डाई करेंगे। तो ये रहा मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद रखना है, और इन नंबर के हेल्प से आप इजीली जो है प्राइम नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। इसके आगे देखते हैं, अब देखेंगे परिमेय संख्या इन्हें हम रेशनल नंबर के नाम से लिया। तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में, या फिर कहें कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं बोलूँ 2/3, तो 2/3 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ 11/1, ये आपका भिन्न बन गया है, फ्रैक्शन है, जिसे बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँ 0/1, तो 0/1 एक भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया, तो इसको आप परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ -32/89, निगेटिव वैल्यू है लेकिन है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी संख्या जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में या फिर भिन्न के रूप में लिख सकें वो आपका परिमेय संख्या होता है। अब देखते हैं अपरिमेय क्या होते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको
लिख सकते हैं, या ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कि रूट के फॉर्म में लिखी है, जैसे मैं बोलूं रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, तो नॉर्मली इनका परफेक्ट रूट होता भी नहीं है, ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं बोलूं पाई, कई बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आया कि पाई किस तरह की संख्या, तो पाई अपरिमेय संख्या। अच्छा, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो आवर्ती दशमलव के रूप में होती है, जैसे मैं बोलूं 0.3 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0.3 का कॉम्प्लीमेंट ये बताता है कि जिस संख्या के ऊपर कभी भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, कॉम्प्लीमेंट 3 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जो 3 है, जिस नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ये नंबर किसी से कट गया, इससे भी भाग दिया गया। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैं बोलूँ 0.123 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका मतलब आप जब भाग कर रहे होंगे तो ये पोर्शन आपका रिपीटिंग यूनिट की तरह आ रहा होगा, यानी ये कट कभी नहीं कट रहा होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 0.123 एंड सो, तो ऐसी संख्याएं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब इसके आगे एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, वर्गमूल और घनमूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ये सबका बेसिकली जानना जरूरी था, अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करेंगे इसको। हमें निकालना है कि पहले वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखिए आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो भी है उनका स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि सबको याद रहता, आपको भी याद होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जैसे अपन ने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख लिया, एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई का केजी आता है, और अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई का तब भी एक आता है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 यहाँ पे 1 आ गया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 का यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट 1। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, या 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, तो यूनिट डिजिट आपको 1 प्राप्त होगा। इस पे हमने काम किया। अब ये देखेंगे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, यूनिट डिजिट क्या है, 4, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट तब भी आपको 4 मिलता है। यानी कह सकते हैं कि जो 4 मिलेगा आपको यूनिट डिजिट के रूप में, या तो 2 के स्क्वायर में मिलेगा या फिर 8 के स्क्वायर में मिलेगा। 2 2 4 8 8 64 64 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। अब ये देखते हैं 3 और 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9, और 7 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 49 मिलेगा आपको। तो यानी कि देखो यहाँ पे भी 9 मिल रहा है, यहाँ पे भी 9 मिल रहा है, तो 9 किसके स्क्वायर करने पे मिलता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। तो 9 आपको कब मिलेगा, जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 9 7 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमें 6 मिल रहा है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 6 ही मिल रहा है। यानी कि आपको जो है यूनिट डिजिट 6 का मिलेगा जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा 6। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे। अब आपके पास एक नंबर बचती है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में या यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। तो आपके जो काम का डेटा है इसको हम साइड में लिखते हैं और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि वर्गमूल निकालने के बेस्ट तरीके हैं।
सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ नंबर्स लिखे हैं 20, 25, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 2, 5, 2, 1, 1, 6, 1, 4, 1, 6, 1, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को देखते हैं, चेक करते हैं कि इनका डायरेक्टली हम परफेक्ट रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। करने का तरीका देखते हैं। अगर कभी भी आपको वर्गमूल निकालना है या परफेक्ट रूट निकालना है, तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आपके ये जो यूनिट डिजिट्स हैं उसमें उसके बाद वाले लास्ट के जो टू डिजिट्स है आप इसमें अंडरलाइन कर दीजिए और फिर ये देखिए करके इसका यूनिट डिजिट है कितना। तो आप देखेंगे कि इसमें 5 है, तो आप क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे जो गिनती बच रही है कितनी है, 20। आपको ये चेक करना है किसका स्क्वायर 20 या 20 से कम हो। तो अगर मैं 5 का बोलूंगा तो 5 50 25 25 जो है 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो उतना नहीं लेना है, उससे कम लेना है। 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 चौक 16, 16 20 से कम है, 20 से ज्यादा तो होगा नहीं। 20 से ज्यादा अगर 5 का करेंगे तो 5 50 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कम ही लेना है। तो 4 चौक 16, तो 45 इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा या परफेक्ट रूट बन जाएगा। आगे डिजिट लेते हैं, ये देखिए 25 लास्ट टू डिजिट क्या है 25, और 25 के लास्ट में क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो किसका स्क्वायर करते हैं, अब आपको यूनिट डिजिट में 5 मिलता है तो 5 का आप बोलोगे 5 का। अब यहाँ पे क्या बचा 12, तो किसका स्क्वायर 12 या उससे कम है, तो आप 4 का देखेंगे तो 4 चौक 16 ज्यादा हो रहा है, और 4 से कम संख्या कौन सी होती है 3, और 3 का स्क्वायर करके 3 के लिए कम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 35। ये भी 5 का है, सेम ऐसा ही है। इसको चेक कर लेते हैं, जैसे आपका लिखा है 16 लिखा है, तो 16 में यूनिट डिजिट कौन सा है 6। तो आप देखो 6 यूनिट डिजिट कब आएगा, या तो कोई भी नंबर जो 4 लास्ट में यूनिट में 4 होगा इसका स्क्वायर करेंगे या 6 के स्क्वायर। तो हमें इससे मतलब है इकाई का कितना है 6, इकाई में कितना है 6, तो 6 किन के स्क्वायर में आती है 4 के या 6 के, तो हम दोनों नंबर लिख लेंगे, 4 भी लिख लेंगे 6 भी लिख लेंगे। चलिए ये काम हुआ खत्म। अब यहाँ पे कौन सी नंबर है, यहाँ पे लिखी है 21, तो किसका स्क्वायर होगा जो 21 या उससे कम होगा। अगर मैं 5 का बोलूं तो 5 50 25 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से छोटा वाला यानी कि 4, तो 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 4, ये दोनों को 4 4 चिपका दिए। अब ये देखेंगे करके, अब अपने पास दो ऑप्शन मिल गए, या तो 44 इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट रूट होगा, या तो 46 इसका परफेक्ट रूट होगा। अब इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये 4 जो हमने दोनों जगह पुट किया, ये 4 लिख लेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे उसकी अगले वाले नंबर से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 5 कितना हो गया 20। अब क्या करना है, अपन को चेक करना है कि 20 से अंदर वाली जो ये दोनों संख्याएं हैं ये छोटी हैं कि बड़ी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बोलोगे कि 20 से ये संख्या तो बड़ी है, तो अगर ये बड़ी है तो जो बड़ा वाला है यही आपका बन जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, परफेक्ट।